डाटा खोला, गूगल की तरह ये रहा, टाइप किया एक्स एक्स एक्स, HD मूवीज खटाक से आया। उंगली से ढूंढने लगा कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा। अब देख रहा है जब उसके माता पिता सो जाते हैं तब रात में देखता है, गुप्त में देखता है कि कोई व्यक्ति कोई मनुष्य उसे देख न ले। शायद वह मसीही या भूल चुका है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ बाइबल से प्रूफ से, अय्यूब 34:21 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है, आप चाहे जहाँ भी छिपकर पाप करो, अंधेरे में छिपकर पाप करो, टीलों में या जरूर में जाकर झाड़ियों में छिपकर पाप करो, ऐसा स्थान परमेश्वर ने मनुष्य का नहीं ठहराया है कि मनुष्य जाकर परमेश्वर की नज़रों से जाके छिपके पाप करे। अभी संभल जाओ, वरना वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। देखिए जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में नंगा करेगा और मरने के बाद भी उसको आग में नंगा ही डालेगा। तब आपके शरीर में जो गर्मी भरी है उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। उसने अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाए हैं, कब सुधरोगे भाई, अभी समय है। पर मगर वह मनुष्य अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर पाप कर देता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वह व्यक्ति भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। अभी छोड़ दो, वरना आपको बाद में पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अभी समय है, लौट आओ परमेश्वर के पास, वरना आपको तो पता ही है आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक लड़कियों की ताक झाक में लगे रहोगे, क्या अंत नहीं मेरे प्रियो? अभी छोड़ दो, क्यों नरक में जाना चाहते हो, क्यों नरक में जाना चाहते हो मेरे भाई, क्यों क्यों मेरे प्रियो, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जरा सोचो, खुद परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, 30-32 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा गया था हमारे और आपके पापों के लिए, मेरे प्रियो कब सुधरोगे भाई? खुशी खुशी नहीं, अपन उसने अपने हाथों में पैरों में किले ठुकवा लिया, और फिर भी आप लोग गंदा काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग ये काम कर रहे हैं, फिर भी सेक्स वीडियो देख रहे हैं, भाई कब सुधरोगे मेरे प्रियो, कब सुधरोगे? परमेश्वर आस लगाए बैठा है कि मेरा बेटा आप सुधर जाए, मेरा बेटा आप सुधर जाए, मगर उसका बेटा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही गलत गलत वीडियोस, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, वही सब कुछ गंदा काम कर रहा है, घिनौना काम कर रहा है, और करने से भी जरा भी हिचकिचाता नहीं है और बड़े आराम से पाप कर देता है, बड़े आराम से पाप कर देता है। इस शैतान का न्याय तो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, वो तो उस नर्क में जाएगा भैया, क्यों नर्क में जाना चाहते हो? उसका एक ही उद्देश्य है, अपने 7 लाखों करोड़ों आत्माओं को नर्क में ले जाना, क्योंकि वह उसमें अकेला जाना नहीं चाहता है। देखिए शैतान को मालूम है कि एक मसीह किस पाप में गिरता है, और वो शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराता है, और हमारे मसीही नौजवान उस शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाते हैं। वो मसीही उस शैतान की जाल से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, छोड़ दो ये गंदी लतें और लौट आओ यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। क्यों नरक में जाना चाहते हो भाई? वहाँ 1 या 2 दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए और युगानियों के लिए डाल दिया जाएगा। जरा सोचो मेरे प्रियो, अगर किसी ने अचानक आपकी मृत्यु हो गई, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा, अगर उद्धार ही के बिना मर गए तो क्या हाल होगा? फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में जाना पड़ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो वह हमेशा के लिए गए, जहाँ आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा। इसलिए अभी समय है, अभी आपके पास एक किरण है, अभी आप जिंदा हो, समय है मेरे प्रियो, अभी आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो। क्यों नरक में जाना चाहते हो भाई? परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है। जब आप खुद पाप करके उस नरक में जाना चाहते हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे भाई, क्या करे? क्यों ना सोना चाहते हो मेरे प्रियो? क्यों नहीं छोड़ दो, आपको बचाना चाहता हूँ मैं। हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पाप करके नरक नहीं जाना, शैतान के पीछे नहीं जाना मेरे प्रियो। इफिसियों 5:16 में लिखा हुआ है, और अवसर को मामूली समझो क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान जो है ना अपना तीर मसीहों के ऊपर चला रहा है और चला चला कर उसको नर्क में ले जाना चाहता है।
जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है मेरे प्रियो, इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, पूरा पूरा समय परमेश्वर के दीजिए, वरना बाद में आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। वहाँ श्वेत सिंहासन के सामने सिर्फ न्याय किया जाएगा। वहाँ पास्टर लोग, बड़े बड़े लोग, पास्टर प्रचारक लोग लाइन से खड़े होंगे श्वेत सिंहासन के सामने मेरे प्रियो, और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। वहाँ सिर्फ माफ़ी नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा न्याय, और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको नर्क में डाला जाएगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। अभी समय है, आश है आपके पास। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना, ओके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, आमीन।